Hello everyone, welcome back to your own channel Study with Alka Khandwal. Study with Alka Khandwal में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जो मेरे परिवार का हिस्सा बन चुके हैं उनको बहुत 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 धन्यवाद, और जो इस चैनल में पहली बार आ रहे हैं उनके लिए एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन। आई एम अलका खंडवाल एंड द चैनल इज एन एजुकेशनल चैनल वेर इन वी डिस्कस अबाउट मैथ्स, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स इन मैथ्स, एंड देन वी ऑल्सो फोकस ऑन कंप्यूटर एज अ सब्जेक्ट फॉर ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। वी नो दैट कंप्यूटर इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दीज डेज, सो वी टेक अप द एमसीक्यूज ऑन कंप्यूटर एंड विद अ डिटेल एक्सप्लेनेशन। अगर आप लोग सेशंस में जाके देखोगे तो उसमें एक एक क्वेश्चन से रिलेटेड हम उस पे एक्सप्लेनेशन करते हैं ताकि आप लोग उसका आंसर भी याद रखें और ऐसा क्यों है ये भी आप लोगों को अच्छे से याद हो जाए। और दूसरा है, अब फोकस इज पीजीटी कंप्यूटर साइंस, पीजीटी कंप्यूटर साइंस इन एनवीएस, केवीएस, डीएसएसएसबी एंड ऑल ऑर्गेनाइजेशन वेर इन वी हैव गॉट दिस पोस्ट। यस, सो लेट्स स्टार्ट अवर प्रिपरेशन। सो दोज हु हैव नॉट येट लाइक शेयर्ड एंड सब्सक्राइब, make sure that you are liking the channel, sharing it, and also subscribing the channel and also clicking on the bell notification. जैसे ही नया वीडियो अपलोड होगा वैसे ही तुरंत नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट विद टुडे सेशन। ओके हियर वी गो। सो टुडे सेशन इज अ सरप्राइज, सो लेट अस सी व्हाट इज इट। ओके, एमसीक्यूज ऑन नेटवर्किंग। तो ये तो उन लोगों के लिए भी फायदेमंद है जो कि कंप्यूटर इन द कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स एंड ऑल्सो फॉर पीजीटी एंड टीजीटी कंप्यूटर साइंस। सो वाओ, सो दैट इज फॉर बोथ द कैटेगरीज। सो नाउ, सो ऑल द बेस्ट, सो स्टार्ट, लेट अस स्टार्ट अवर प्रिपरेशन। सो हियर वी गो। सो हियर एमसीक्यूज ऑन नेटवर्किंग एंड ऑल द क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। What is a stand-alone computer? So, what is it? Let us see the options. And a computer that is not connected to a network, a computer that is being used as a server, a computer that does not have any peripherals attached to it, a computer that is used by only one person. So, networking mein stand-alone computer use hota hai iske liye. A computer that is not connected to a network is known as a स्टैंड अलोन कंप्यूटर, मतलब वो नेटवर्क का पार्ट नहीं है। सो दैट इज अ स्टैंड अलोन कंप्यूटर। सेंट्रल कंप्यूटर विच इज पावरफुल देन अदर कंप्यूटर्स इन द नेटवर्क। एक नेटवर्क है मगर एक सेंट्रल कंप्यूटर है जो सबसे ज्यादा पावरफुल है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं सर्वर, दैट इज नोन एज द सर्वर। एंड द क्लाइंट्स आस्क फॉर द रिक्वेस्ट फ्रॉम द सर्वर, और सर्वर all the risk, whatever the requests are coming, it serves those requests. So that is which is more powerful than other computers. So definitely the answer has to be server. Now network, there is a network in which every computer is capable of playing the role of a client or server or both at the same time. ऐसा कौन सा network है जहाँ पे हर एक system जो है वो client का role भी play कर सकता है, server का भी, या दोनों का एट द सेम टाइम? व्हाट इज इट नोन एज? इट इज नोन एज द पीयर टू पीयर नेटवर्क। सो सबकी, इसमें कोई पावरफुल नहीं है, सबके एक ही स्टेटस है और उसको बोलते हैं पीयर टू पीयर नेटवर्क। ओके, दैट इज द पीयर टू पीयर नेटवर्क। एंड व्हेन वी आर हैविंग दिस, वी आर हैविंग क्लाइंट, वी आर हैविंग सर्वर, देन वी आर से व्हेन देन वी से दैट इट इज अ क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। मगर यहाँ पे सब एक ही है, they can play the role of a client also, they can play the role of a server also, this is server, okay, of a server also or both, so that is known as a peer to peer network. In peer to peer network each computer is in a computer is referred to, jo bhi network mein computer hai usko kya bola jata hai, kyunki wo ek saath hain, friends hain, peers hain, so each computer in the network is known as a peer. Is it fine? Very easy. If you apply the logic you will get the answer correct. Which transmission media is capable of having a much higher bandwidth? तो जब भी हम लोग डेटा कम्युनिकेशन के बारे में बात करते हैं तो ट्रांसमिशन मीडिया के बारे में बात करते हैं। सो वी आर हैविंग डिफरेंट, ये सब गाइडेड मीडिया हैं। ऑल दीज आर टाइप ऑफ गाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया।
अब जैसे हमारा वाईफाई है, सैटेलाइट है, रेडियो वेव्स है, माइक्रोवेव्स है, वो अनगाइडेड है, और ये सब जो वायर्स हैं ये गाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया है। अब इन सब में कोएक्सियल केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल, अनट्विस्टेड केबल, फाइबर ऑप्टिक, इस सबसे हायर बैंडविड्थ किसका होता है? फाइबर ऑप्टिक का होता है। सबसे एक्सपेंसिव भी वही होता है, सबसे हाई अंडर द ओशन बेड्स ऑल्सो इट कैन बी यूज फॉर डेटा कम्युनिकेशन, और ऑब्वियसली उसका हायर बैंडविड्थ भी होता है। सबसे लीस्ट होता है ट्विस्टेड पेयर केबल का। यस एंड विच ऑफ द ट्रांसमिशन मीडियम इज द लीस्ट एक्सपेंसिव, क्योंकि बैंडविड्थ भी लेस है और लीस्ट एक्सपेंसिव है हमारा ट्विस्टेड पेयर केबल, और हाईएस्ट एक्सपेंसिव क्या होगा? फाइबर ऑप्टिक सबसे एक्सपेंसिव होगा, एक्सपेंसिव भी है और बहुत सिक्योरिटी भी है उसमें, एंड द डेटा इज सेंड वेरी सेफली फ्रॉम द सोर्स टू द डेस्टिनेशन। सो यस दैट इज वाई एक्सपेंसिव होता है ऑब्वियसली, और ये है लीस्ट एक्सपेंसिव। यस Which of these components is internal to the computer and is required to connect the computer to a network? So, internal to the computer and is required to connect the computer to the network, तो उसको बोलते हैं network interface card. So, that is internal, और एक network से connect करने के लिए वो requirement होती है. अब देखो hub, hub क्या है? Hub एक device है, उसको क्या बोलते हैं? पहले मैं बता देती हूँ answer क्या है. Broadcast device है. हब इज अ ब्रॉडकास्ट डिवाइस। अब क्या करता है, जैसे ही हब के पास एक डेटा आता है तो हब क्या करता है, जितने भी वहां पे नोड्स हैं उन सबको वो डेटा भेज देता है। इट ब्रॉडकास्ट द मैसेज, और उनको चेक करना पड़ता है कि ये मैसेज हमारे लिए है कि नहीं। जो रिसीवर है वो चेक करे कि ये डेटा हमारे लिए आया गया है। सो हब इज नॉट इंटेलिजेंट, हब इज नॉट एन इंटेलिजेंट डिवाइस, नॉट एन इंटेलिजेंट डिवाइस। सो वट डज इट डू? तो क्या हो जाता है, ट्रैफिक इंक्रीज हो रहा है, वो जितना भी मैसेज आ रहा है वो सबको भेज रहा है, लो जिसका है वो देख लो, वो पढ़ लो। यस सो दैट इज अ ब्रॉडकास्ट डिवाइस। नाउ स्विच ऑल्सो परफॉर्म द सेम फंक्शन एज द हब, बट इट इज एन इंटेलिजेंट डिवाइस। वो क्या करता है कि इट सीज द डेस्टिनेशन एड्रेस, इट चेक्स वेयर इट हैज टू बी सेंट, एंड देन इट सेंड्स द डेटा। सो दैट इज अ यूनिकास्ट डिवाइस। ओके सो हब इज नॉट इंटेलिजेंट, स्विच इज इंटेलिजेंट एंड इट सेंड्स द डेटा टू द कंसर्न्ड पार्ट वेयर एवर इट हैज टू बी सेंट। अब रिपीटर क्या करता है, रिपीटर एक वीक सिग्नल लेता है, करप्टेड सिग्नल को लेता है और उसको रीजेनरेट करता है और फिर भेजता है। इज इट फाइन? सो रिपीटर जब भी हमारा ऐसे पढ़ते हैं कि जो डिस्टेंस इज ग्रेटर देन 90 मीटर, देन वी कीप अ रिपीटर इन बिटवीन so that it takes the weak signals and then it regenerates it. Fine. So that is the thing. Now topologies के बारे में हमने एक दिन बात की थी, बस स्टार ट्री हम सब बात कर रहे थे। So which network topology requires a central controller? यहाँ पे central controller and all the other nodes are connected to this. तो ये बीच में central controller है। So this is the star topology. What is it? The star topology. Okay. So that is the answer. Which topology requires a multi-point connection on a, there is a single cable, और यहाँ पे multi-point connection है, जैसे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे multi-point connections है, तो उसको क्या बोलते हैं? इसको बोलेंगे बस, obviously एक single cable है उसमें multi-point connection है, तो ये है हमारा बस topology. Okay, that is the answer. In a network, if a computer connected to a star topology, अच्छा जैसे ये star topology है और इसमें से एक कंप्यूटर कनेक्टेड, अच्छा जैसे ये फेल हो गया, इसमें कोई प्रॉब्लम आ गई, सो व्हाट विल हैपन? द इंटायर नेटवर्क विल क्या होगा बताइए? विल वर्क अनअफेक्टेडली, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम आई है तो ये सॉर्ट आउट करेंगे और ये बाकी तो चलता ही रहेगा। सो द अदर पार्ट ऑफ द नेटवर्क विल वर्क अनअफेक्टिवली, इज इट नॉट? सर्वर में तो प्रॉब्लम नहीं है, एक पर्टिकुलर कंप्यूटर विच इज कनेक्टेड टू द स्टार टोपोलॉजी इज अफेक्टेड, सो ऑब्वियसली द अदर नेटवर्क विल वर्क अनअफेक्टेडली। अ कॉम्बिनेशन ऑफ बस प्लस स्टार टोपोलॉजी इज कॉल्ड द, एकदम याद रखना आप लोग, इट इज नोन एज द ट्री टोपोलॉजी। व्हेन बस एंड स्टार्स आर कंबाइंड टूगेदर इट मेक्स द ट्री टोपोलॉजी। यस
नेटवर्क डिवाइस विच कनेक्ट द नेटवर्क ऑफ द सिमिलर टाइप, जब नेटवर्क सिमिलर टाइप का है, सेम प्रोटोकॉल यूज कर रहे हैं, तो ब्रिज है नेटवर्क डिवाइस विच कनेक्ट, ब्रिज, हब, स्विच, ये सब क्या है, नेटवर्किंग डिवाइस, राउटर, ये सब नेटवर्किंग डिवाइसेज हैं. तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सिमिलर टाइप सेम प्रोटोकॉल, देन इट इज द ब्रिज. अभी नेटवर्किंग का पार्ट टू भी आएगा, वेर इन वी डिस्कस अबाउट द डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस ऑफ द डिफरेंट लेयर्स. एप्लीकेशन लेयर का फंक्शन क्या है, एरर कंट्रोल कौन से लेयर का फंक्शन है, फ्लो कंट्रोल किसका है. सो दिस वी विल डेफिनेटली लर्न इन द कमिंग सेशन. राउटर कौन से लेयर में काम करता है, नेटवर्क लेयर में. सो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स वी नीड टू लर्न. तो एक सेशन पहले भी मैंने एमसीक्यू में डिसाइड आप लोगों को बताया है कि वी टॉक अबाउट द TCP/IP ऑल पीपल सीम्स टू नीड डेटा प्रोसेसिंग. एप्लीकेशन लेयर, देन प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर. सो इन सब के फंक्शंस भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, दे डू आस्क इन द एग्जाम मोस्ट ऑफ द टाइम. नाउ नेटवर्क डिवाइस विच कनेक्ट नेटवर्क ऑफ डिसिमिलर टाइप, नेटवर्क ऑफ डिसिमिलर टाइप इज द गेटवे. सो सेम टाइप में ब्रिज आ गया, डिफरेंट टाइप के नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए हमारा गेटवे आ गया. तो यहाँ हम पहुंच गए हैं सेशन के एंड में. So everyone, thank you and make sure what is the task you all have to do, liking it, sharing and subscribing it so that I feel motivated and lots of interesting sessions on the way. So be ready for it and take care everyone. God bless you. Thank you everyone.